ਇੱਕ ਯਾਰ ਬਣਾਏ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਦਰ ਦਰ ਰੁਲ ਗਏ ਹਾਂ ਉਸਕਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपनी शायरी के लिए आवाज़ एडिट कर सकते हैं। तो ये आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एडिट करके। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है अनुबास और आप देख रहे हैं हमारा इंटरेस्टिंग चैनल प्रिंस का स्टूडियो। गाइज, अगर आप इस चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी हम जब भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों तक इजीली पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर चले जाना है और वहां से एक ऐप डाउनलोड कर देना है। तो ये है वो ऐप, वो लेक्सिस ऑडियो एडिटर, तो काफ़ी फेमस ऐप है। तो इसको हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ से वॉइस अपनी यहाँ से ओपन कर लेनी है। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। जी तो गाइज, मैंने ये वॉइस यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि ये थ्री डॉट आपको कॉर्नर में दिख रहे हैं, क्लिक करने के बाद सेकंड नंबर पर इफेक्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, सबसे पहले जो आपने काम करना है वो नॉइस रिडक्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये है नॉइस रिडक्शन। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी वीडियो के बैकग्राउंड में जो भी नॉइस होगा तो वो सब कैंसिल हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो सेटिंग ऐसे ही करनी है जैसी हुई भी है। तो ये चार लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, इसी तरह आपने एडजस्ट कर देनी है। तो एडजस्ट होने के बाद आपने सिंपली अप्लाई कर देना है। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद दोबारा यहाँ पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट में आएंगे और दोबारा आपने क्या काम करना है, कंप्रेसर, कंप्रेसर पर क्लिक करके यही सेटिंग आपने करनी है, इससे अगेन सेटिंग आपने नहीं करनी है, अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद दोबारा यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद अब आपने क्या काम करना है, रिवर्ब, रिवर्ब पर क्लिक करने के बाद ऐसे ही सेटिंग करने के बाद अप्लाई कर दें। अप्लाई होने के बाद फिर से इफेक्ट में आएंगे और यहाँ पर चेंज स्पीड, चेंज स्पीड आपने वहाँ पर आपने यहाँ अप्लाई करके छोड़ देना है। ये मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर नॉर्मलाइज कर देना है। तो ये यहाँ पर नॉर्मलाइज हो चुका है। तो अभी सुनिएगा दोस्तों, उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि किस तरह से वीडियो एडिट हुई है। ये दौड़ो सजन की नज़र करे ने कि जिन्हों अपनी जान तू वद के भी प्यार करिए ने तो फिर भी वो बेवफाई कर वेंदे। जी तो गाइज, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये इस तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। मज़ीद आप इसमें इको अगर आप डालना चाहते हैं तो इफेक्ट में आएंगे, यहाँ पर इको का ऑप्शन भी है। तो इस तरीके से आप अपनी पोइट्री वीडियोज़ के लिए शायरी यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, काफ़ी मस्त तरीके से यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।